और चलिए इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज 19 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने वाले हैं। पीएम मोदी हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। NH 48 दिल्ली जयपुर हाईवे, KMP द्वारका एक्सप्रेसवे सर्विस लेन सेक्टर 80 से 90 तक के एरिया में हेवी ट्रैफिक और जाम के हालात हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इस रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है। शाम 5 बजे से द्वारका एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोकार्पण के बाद पीएम का रोड शो होना है और रैली को भी पीएम संबोधित करने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड ये एक्सप्रेसवे होगा। 19 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे आज देश को समर्पित करेंगे पीएम। तो देखिए NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच गाड़ियों की आवाजाही को बेहतर बनाने और भीड़ भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली में IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी, यानी कि इस के खुल जाने के बाद लोगों को और भी ज्यादा सुविधा और सहूलियत मिलेगी। पीएम मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का पैदल जायजा भी ले सकते हैं। NH 48 से बजघेड़ा बॉर्डर तक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई करीब 19 किलोमीटर बताई जा रही है। जल्द ही इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली की तरफ का हिस्सा भी बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मौजूद रहेंगे।